हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ड्यूज़ोन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2। सो चैप्टर है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। सो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हैं उसको। सो लास्ट के वीडियो में पहले एक आपको छोटा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ क्या क्या हमने कंप्लीट किया था। सो हमने कंप्लीट किया था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक का टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें, ठीक है। और फोटो एमिशन को समझा था क्या होता है आपका फोटो एमिशन रिलेटेड, फोटॉन्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हमने, बाइंडिंग एनर्जी और वो सब जो है छोटा छोटा बेसिक जो पार्ट था आपका वो पूरा कवर अप किया था। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का टॉपिक जो भी पेंडिंग है। सो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, यहाँ पर दो चीज़ होगी आपकी, मेन होगी वेव और दूसरी आपकी होगी पार्टिकल्स, ठीक है। सो वेव और पार्टिकल्स होंगे। सो पार्टिकल्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले क्लियर करवा देता हूँ, ये सब जो है आपको एक छोटा सा रिवीजन के लिए है यहाँ पे, एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वगैरह। तो पहले वेव आपको और पार्टिकल्स समझा देता हूँ मैं, ये दो चीज़ क्या है वो बता देता हूँ। देखो पार्टिकल्स आपका क्या होता है, पार्टिकल्स जो है आपका कंसिस्ट होता है एक स्मॉल, जो भी होता है स्मॉल, एक एटम बोल सकते हो आप, ठीक है। सो वो कुछ ना कुछ जो मैटर है उसमें वो होता है, ठीक है। सो वो मैटर के बिना तो पार्टिकल आप उसको बोल ही नहीं सकते। तो वो क्या हो सकता है, आप इसको एक डेफिनेट वर्ड अगर आपको यूज़ करना है तो आप बोल सकते हो एक मैटर है। पार्टिकल को आप क्या बोल सकते हो, एक मैटर है। अब यहाँ पे वेव जनरेट कैसे होता है, अभी हम बात कर रहे हैं वेव की। तो वेव कैसे जनरेट होता है या कितने कितने टाइप ऑफ वेव है, अगर आपको मैं वेव बोलूँ तो आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले। सो वेव आपका हो सकता है एक साउंड वेव होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह होता है, ठीक है। और तो बहुत सारे होते हैं, लाइट वेव वगैरह होते हैं, साउंड वेव हो गए आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए, इलेक्ट्रिकल वेव्स हो गए। सो ऐसे अगर हम डिफाइन करने जाए तो वेव भी होता है, लेकिन ये वेव को हम लोग समझते कैसे, ये वेव को कैसे समझा जा सकता है। अभी पार्टिकल्स तो आपको बता दिया, इट कंसिस्ट ऑफ मैटर और एटम। अब ये मैं बता रहा हूँ क्यों आपको बता रहा हूँ वो भी समझ लो, क्योंकि ये दोनों जो है आपको बेसिक है, ये समझोगे तभी आपको जो है आगे का सब क्लियर हो जाएगा। तो वेव अभी मैंने जैसे कि बताया आपको, साउंड का हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ये जो है टू मोस्ट फेवरेट एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। सो वेव अगेन, सो वेव को अगर डिफाइन करना है तो कैसे बोल सकते हैं, अभी ये देख रहे हो आप इनकमिंग लाइट बीम जो है यहाँ पे, ये एक मेटल सरफेस लिया हुआ है और ये इनकमिंग लाइट बीम है। इसका प्रोसेस आपको पता ही होगा, मोस्टली सब लोगों को पता ही है, लेकिन अभी इसका जो आप पैटर्न देख रहे हो ना इस तरीके से, ये कुछ नहीं है बल्कि एक वेव है, ठीक है। सो ये वेव है, इसको हम कैसे बोलते हैं, एक कंटिन्यूस प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक कंटिन्यूस प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि ये टुकड़े में नहीं आता, ये जो है इसके पार्टिकल्स, ये एक जो है ना, मतलब अभी मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ तो एक सिंगल सिंगल हम लोग ऐसा मतलब काउंट कर सकते कि कितने पार्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेव है ये कंटिन्यूस प्रोग्रेशन में, इसमें आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जबकि आपके पार्टिकल्स में आपको कैसा ब्रेकडाउन मिलेगा। सो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि वेव एग्जैक्टली और पार्टिकल्स में डिफरेंस करना है तो कैसे करेंगे। सो वेव आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बीम हो सकता है या एक कंटिन्यूस प्रोग्रेशन हो सकता है। अब इसका हम पैटर्न पूछे तो पैटर्न कैसा हो सकता है, यहाँ पे साइनोसोइडल पैटर्न हो सकता है, ठीक है। साइनोसोइडल पैटर्न हो गया और बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोस्टली किस इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग साइनोसोइडल वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट के वीडियो में, हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। सो उसमें क्या देखा था हमने, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के बारे में देखा था। अभी ये क्या है, ये एक मेटल सरफेस है। अभी यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ता है ना हर एक मेटल सरफेस पे अलग अलग होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक मेटल सरफेस पे अगर लाइट बीम जो है वो पास होता है, ठीक है, इंसिडेंट जो लाइट बीम है या इनकमिंग लाइट बीम भी आप बोल सकते हो, तो उसके बाद होता क्या, हमने क्या क्या बात किया था तभी लास्ट के वीडियो में, मैंने आपको बताया था के शेल के बारे में बताया था, एल शेल के बारे में बताया था और एम शेल के बारे में बताया था। अब ये आपको पता है ना, मतलब केमिस्ट्री में भी ये जो चीज़ है आपकी यूज़ होती होगी, लाइक अगर आपको फिल करना है तो आप पहले किस में फिल करोगे, के शेल में करोगे, उसके बाद एल शेल में करोगे, उसके बाद एम शेल में करोगे, ठीक है। सो
अभी यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर इनकमिंग लाइट बीम पास होता है और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सो एमिशन या इजेक्शन बोल सकते हैं, एमिशन ऑफ यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन होना या इजेक्शन यानी मेटल सरफेस से आपको क्या करना है, इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है आपके इलेक्ट्रॉन्स को। मान लीजिए अंदर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। सो हमने बात किया था किसके बारे में, हमने यहाँ पे बात किया था आपके बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, अगर याद होगा तो आपको, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो भी तो आप जाके देख लेना। सो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात किया था, तो बाइंडिंग एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा है, के का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एल का है, उसके बाद एम का है, ये मैंने बताया था ना आपको। सो यहाँ पे क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में ये सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, जो आपका इनकमिंग लाइट बीम है वो किसको अफेक्ट करेगा, वो यहाँ पे आपके जो है एम शेल को यहाँ पे क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, यहाँ पे जो है आपका एम शेल उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हमारा के शेल जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस से जो है ये टाइटली बाउंड रहता है, ठीक है। अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही जो है धीट होता है एकदम, मतलब ज़्यादा, और यहाँ पे जितना रेडियस कम होगा ना, रेडियस का डिस्टेंस जितना शॉर्ट होगा ना, शॉर्ट क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट रेडियस, उतना ही उसका क्या है वो पावर ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी का पावर ज़्यादा होगा। तो एम का यहाँ पे देख पा रहे हो रेडियस सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो यहाँ पे इजेक्शन किसका होगा, एम शेल से इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। अभी क्लियर हुआ ये टॉपिक एकदम 101% क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट अपना 24/7 ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है आते हैं आपके ऑब्जर्वेशन वेव थियोरी और फोटोन के पिक्चर पर। सो ये डिफरेंस है, सो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन में क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जो कि मैंने अभी आपको सब ओरली बता दिया है, आपको सिर्फ रीडिंग ही करना है, अभी सब जो है पूरा पॉइंट आपको ओरली बता दिया मैंने। अभी देखो वेव थियोरी में क्या होता है, वेरी इंटेंस लाइट इज नीडेड फॉर इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन पिक्चर में क्या होगा, ओनली वन फोटोन इज नीडेड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज इंस्टेंटेनियस ऑन कोलिजन। सो अभी वेव थियरी में हमने क्या देखा था कि लाइट जो है, यहाँ पे वेरी इंटेंस लाइट की बात की है, वो इंटेंस लाइट की थोड़ी ज़रूरत होती है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका इंसिडेंट रे आता है, गिरता है आपके मेटल सरफेस पे, तो तुरंत ही क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा लो इंटेंसिटी का, लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑल्सो सफिशियंट टू जनरेट फोटो करंट। सो वेव थियरी में कैसा होता है, लो इंटेंसिटी शुड नॉट गिव फोटो करंट, और लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स लेस नंबर ऑफ फोटोन्स एंड नॉट लो एनर्जी फोटोन्स। मतलब क्या होगा यहाँ पे, फोटोन पिक्चर का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेस नंबर ऑफ फोटोन्स होगा, क्या होगा, लेस नंबर ऑफ फोटोन्स होगा, एनर्जी उतने की उतनी होगी बट नंबर जो है वो लेस हो जाएगा। हाई इंटेंसिटी में क्या होगा, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी में वाइस वर्सा हो जाएगा। देखो हाई इंटेंसिटी मीन्स हायर एनर्जी रेडिएशन एंड देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना आपका जो है एमिशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, एमिशन ज़्यादा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी ज़्यादा। हाई इंटेंसिटी मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन यूनिट टाइम, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम, with respect to unit time, therefore more number of electron are emitted in unit time and hence photo current is larger, ठीक है। अभी ये तीन पॉइंट जो है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, बाद में ज़रूर मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा एंडिंग से, पहले फिलहाल मैं आपको यहाँ पे आगे लेकर चलता हूँ फोटो सेल्स पर। देखो फोटो सेल क्या होता है, फोटो एमिशन देख लिया हमने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह सब देखा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का आपका जो होता है यहाँ पे, ये स्कीमेटिक डायग्राम है आपके फोटो सेल का। फोटो सेल में क्या क्या आपको कनेक्ट करवाया गया है, देखो ये जो फोटो सेल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है, पहली कैथोड और दूसरी एनोड। यहाँ से क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है इस पार्ट से, या फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन जो है डाउन साइड हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी इस पॉइंट को हम लोग कैथोड एनोड बोलेंगे। यहाँ और यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, आपका मेटालिक सरफेस है और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट बीम है। समझ में आ रहा है ना बात, ये इंसिडेंट लाइट जो लिखा है यहाँ पे वो क्या है, आपका इंसिडेंट लाइट बीम है, क्लियर। सो अभी फोटो सेल्स जो है ये आपका यहाँ पे कहाँ पर यूज़ होता है, ये यूजेस क्या है इसके और कहाँ पर यूजेस, तो फोटो सेल जो है ये इसके जो है वास्ट यूजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है
ऑटोमेटिक लाइट को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है, जो हमारे सेंसर बेस होते हैं, ठीक है। सो रोड पे कभी आपने वो स्टड्स वगैरह देखा रहेगा, तो उसमें भी फोटो सेल्स होते हैं। सो वेन एवर इट गेट्स डार्क एंड द एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट मेनली डिपेंड ऑन द डे वेदर इट इज़ डे और नाइट। सो जो ऑटोमेटिक लाइट्स होते हैं आपके स्ट्रीट लाइट्स में भी जो ऑटोमेटिक लाइट होते हैं, तो वहाँ पे जो है एक सेट किया गया रहता है आपका फोटो सेल, जिसकी मदद से डार्कनेस पर वो क्या होता है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही डे टाइम पर जो है यानी कि लाइट रेज जो नेचुरल लाइट रेज फोटो सेल्स पर अगर आती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यूजेस आपको समझ में आया एक आपका कहाँ पर होता है ये ऑटोमेटिकली लाइट में भी होता है, दूसरा इसका यूज़ है वो टाइमर में भी यूज़ होता है। तो कहाँ पर टाइमर में जो यूज़ होता है, टाइमर इन अ रनिंग रेस टू कैलकुलेट द रनर स्पीड। सो आपका जो है यहाँ पे बॉल के स्पीड को भी काउंट करने के लिए जो बॉल का स्पीड होता है या फिर रनर का जो है ट्रैक पर रनिंग स्पीड होता है, तो वो सारी चीज़ के लिए फोटो सेल्स जो है बहुत ही यूज़फुल रहती है, जो कि आपको एकदम बारीकी से जो है स्मॉलेस्ट यूनिट भी प्रोवाइड करती है। आपको क्या करती है स्मॉलेस्ट यूनिट भी आपको क्या करती है यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये सबसे यूज़फुल है यहाँ पे। फोटो सेल आर यूज टू काउंट द व्हीकल्स ऑन द रोड एज वेल। सो जैसे आपको बताया स्मॉलेस्ट यूनिट, तो फोटो सेल्स का जो है वास्ट यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में जो मेंशन है वो, सपोज सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज केप्ट नियर द पैसेज और एंट्रेंस ऑफ अ मॉल और हाउस एंड लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ अ फोटो सेल। कहाँ पे इंसिडेंट करवाया इन्होंने, कैथोड पर। कहाँ पे, कैथोड पर। फोटो करंट इज जनरेटेड, क्या जनरेट हुआ आपका इससे, फोटो करंट जो है वो जनरेट हुआ, बराबर। व्हेन अ पर्सन पासेस थ्रू द पैसेज और कम्स नियर द एंट्रेंस इंसिडेंट लाइट इज बीम इज इंटरप्टेड एंड फोटो करंट स्टॉप्स। तो देखो भाई यहाँ पे यहाँ से इतने में ही आपका क्लियर हो जा रहा है कि क्या हो रहा है कि फोटो सेल जो है आपका, ठीक है, इसको अगर आपने प्लेस कर दिया है और उसका जो इंसिडेंट लाइट है वो कैथोड पर गिर रहा है, तो उससे क्या होगा आपका फोटो करंट जो है वो जनरेट होगा। क्या होगा आपका फोटो करंट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। सो फोटो करंट जनरेट होने के बाद क्या होगा, जब भी वो पर्सन पास होगा या फिर नियर बाय उससे जो है पास होगा, तो क्या होगा आपका इंसिडेंट लाइट बीम जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा वहाँ पे और फोटो करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी इसका वर्किंग होता है, ये जो है स्कीमेटिक सेल ये बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सो ये इवेंट, दिस इवेंट कैन बी यूज टू ऑपरेट अ काउंटर इन काउंटिंग डिवाइस वगैरह। तो वही सब आपके यूजेस आ गए, आपके बर्गलर अलार्म हो गया, ट्रैफिक लॉस के लिए जो है वहाँ पर वो सारी चीज़ में आपका फोटो सेल यूज़ होता है। तो इसका वास्ट यूज़ आपको समझ में आया। अभी एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम देख लेंगे यहाँ पे, न्यूमेरिकल देखेंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। तो आपको क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है आपका, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 अपॉन अंडर रूट वी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने क्लास 11 में भी किया होगा, राइट। सो 1.228 इसका कांस्टेंट है, ये आपका लैम्बडा जो है आपका यहाँ पे वेवलेंथ है। सो वेवलेंथ को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बराबर। सो अगर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जो कि आपका अगेन अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वोल्ट की बात कर रहा हूँ, तो वोल्ट के केस में क्या होता है यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 अपॉन अंडर रूट वी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन निकालें तो लैम्बडा का इन टर्म्स ऑफ वी हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये इनडायरेक्टली इससे प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली वी का वैल्यू जो है वो डिवाइड कर देना है। सो 1.228 अपॉन अंडर रूट 120 का आंसर आ जाएगा 0.112 नैनोमीटर। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट वी, जो कि ईजिएस्ट है यहाँ पे, आप इजीली जो है इस चीज़ को याद रख सकते हो। चलो अभी यहाँ पे आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कि है स्कीमेटिक ऑफ डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। तो आप जर्मर बोलो या गर्मर, आपकी मर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे स्कीमेटिक ऑफ डिविजन और गर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो है इक्विपमेंट लिया था और टेस्टिंग किया था कि क्या किस पर टेस्टिंग किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल निकल का जो क्रिस्टल होता है उसमें इन्होंने टेस्टिंग किया था और चेक किया था कि जो इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से स्कैटर हो
होते हैं अलग अलग लेयर्स में। तो ये जो डायग्राम है उसका, इन्होंने देखो यहाँ पर बैटरी को यहाँ पे देखो आप अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अटैच करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन गन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सिलरेटर हो गया, कोलीमेटर हो गया, या टारगेट है या डिटेक्टर है। सो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर प्लेस की गई थी। सो आपका गैल्वेनोमीटर से प्लेस किया गया था, मूवेबल डिटेक्टर है जो कि वीक करंट है या नहीं वो फाइंड आउट करता है वहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग मतलब डाइफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन का बीम वगैरह यहाँ पे कैसे बनता है उस पूरा का जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। सो डी ब्रोगली का वेवलेंथ यूज़ किया था, यहाँ पर क्या होता है हमारा 1.228 अपॉन अंडर रूट 54 जो कि आपका अंडर रूट वी है, ठीक है। सो वी का वैल्यू आपका क्या है 54 इन्होंने यहाँ पे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू रखा था वो कितना रखा था, वो उन्होंने रखा था 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक का रखा था, ठीक है। सो उन्होंने एक एंगल लिया, स्कैटरिंग एंगल लिया था 50 डिग्री पर, ठीक है। सो 50 डिग्री पर उसका पोटेंशियल कितना निकल के आया, जब भी उन्होंने रीडिंग चेक किया तो रीडिंग चेक किया तो उनको मिला 54 वोल्ट। सो यहाँ पे इंटेंसिटी जो उनका निकल के आता है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का 50th डिग्री पे, वो होता है 54 वोल्ट। सो आपका रेंज हमेशा याद रखना है 44 से 68 रहेगा। सो ये पीक ही उनका जो था रिजल्ट था, जो कि इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चेक किया था, जो कि आपका स्कैटर होता है फॉर डिफरेंट लेयर of the regularly spaced atom of the nickel crystal. So scattering इन्होंने चेक किया था, जो scattering of electron होता है अलग अलग layer में कैसे scatter होता है, और वो surface आपका कौन सा था, आपका था वो spaced atom of the nickel crystal. तो अभी क्या क्या है इसमें जो component है हम लोग देखते हैं एक एक करके. So the experimental setup for the Davison Germer experiment is enclosed within vacuum chamber. तो उसको किसके अंदर रख के पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक वैक्यूम चेंबर के अंदर रखा था, और उन्होंने डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे सब डाला था, यहाँ पे उनका गैल्वेनोमीटर वगैरह था, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मीडियम। सो ये सारी चीज़ रखने के लिए मतलब एक चेक करने के लिए वैक्यूम चेंबर के अंदर रखा, ताकि ये सारी चीज़ जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो अफेक्ट ना हो पाए, मतलब उन सारी चीज़ों से उसको प्रिवेंट किया गया था। अभी इलेक्ट्रॉन गन जो है यहाँ पर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गन इज़ अ टंगस्टन फिलामेंट दैट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किससे होता है वो थर्मायोनिक जो है एमिशन, वो प्रोसेस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स में क्या होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हीट करेंगे हम लोग उसको गर्म करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, तो इलेक्ट्रॉन गन जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। जैसे अगर आपको पता है ग्लू गन कैसा होता है, उसको हम लोग हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल आप जो उसमें सॉरी जो स्टिक डालते हो ग्लू स्टिक डालते हो, वहाँ पे उसका कैसा होता है वो एक ग्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड का उसका जो टिप है उसमें से वो ग्लू निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गन आपका काम करता है, एक सर्टन टेम्परेचर पे अगर हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सिलरेटर क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सिलरेटर है वो दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, और उसको क्यों यूज़ किया जाता है, उनके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सिलरेट करने के लिए यहाँ पे जो है उसको यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए, एक्सिलरेट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, जो प्लेट्स होते हैं उसकी मदद से आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है एक्सिलरेशन बढ़ता है, ठीक है, या उससे इफेक्ट होता है। सो कोलीमेटर क्या है, कोलीमेटर ये एक्सिलरेटर है जो कि एनक्लोज किया गया विद इन अ सिलेंडर, विद इन सिलेंडर बोलो या चेंबर बोलो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विद इन चेंबर भी आप बोल सकते हो, दैट हैज नैरो पैसेज फॉर द इलेक्ट्रॉन अलोंग इट्स एक्सिस, इट फंक्शन इज टू रेंडर अ नैरो एंड स्ट्रेट कोलीमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडी फॉर एक्सिलरेशन। सो इसका काम भी क्या है, इसका काम बेसिकली क्या है, यहाँ पे रेंडरिंग करना इसका काम है, जो कि एक नैरो और स्ट्रेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पास करता है, किस चीज के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो चीज हो गया, यहाँ से जो पास होता है ये इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, कोलीमेटिंग एनोड जो यहाँ पे दिया है, क्योंकि इसका काम क्या होता है यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से पास होता है, तो ये बीम जो पास होता है ये निकल क्रिस्टल जो है ना इसके थ्रू एक एंगल बनाता है और वहाँ पे रीडिंग होता है आपका टूवर्ड्स गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो उसके टूवर्ड्स आपका क्या होता है यहाँ पे
रीडिंग होता है जब भी वो पास होता है निकल क्रिस्टल से। अभी ये टारगेट जो वर्ड है ये है आपका निकल क्रिस्टल, ये जो है आपका टारगेट है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फायर नॉर्मली होता है किस पे, जैसे कि अभी आपको बताया ये कॉलीमेटिंग एनोड या कॉलीमेटर से ये पास ऑन होता है, क्या होता है पास ऑन होता है, और निकल क्रिस्टल पे टारगेट किया जाता है इसको, इसलिए हम लोग इसके लिए टारगेट वर्ड यूज़ करते हैं। द क्रिस्टल इज प्लेस्ड सच दैट इट कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, यानी उसको उसी के एक्सिस में जो है रोटेट किया जा सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिटेक्टर की, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है डिटेक्टर का पार्ट जो है यहाँ पर, अ डिटेक्टर इज यूज टू कैप्चर द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द निकल क्रिस्टल। सो ये कैप्चर करने के काम आता है आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो कि पास होता है आपका निकल क्रिस्टल से। सो डिटेक्टर जो है वो निकाला भी जा सकता है इन अ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये मूवेबल डिटेक्टर है, ये क्या है आपका मूवेबल डिटेक्टर है। समझ में आया, क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स और वेव का, तो पार्टिकल और वेव जो है मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही जो डिस्कस करवा दिया है। सो ये यहाँ पे जो पार्टिकल और वेव है हम लोग जो है बाय मिरर के थ्रू इसको समझते हैं। सो जो वेव पार्टिकल का डुअलिटी है ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये याद रखना। जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है हम लोग किसके थ्रू पढ़ते हैं, आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके थ्रू पढ़ते हैं। दैट एवरी पार्टिकल और क्वांटम एंटिटी मे बी डिस्क्राइब्ड एज आइदर अ पार्टिकल और अ वेव। कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, या तो वो पार्टिकल है या तो वो क्या है वेव है। सो वो एक्सप्रेस करते हैं इन अबिलिटी ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्या है वो कॉन्सेप्ट आपका पार्टिकल है या तो वेव है। तो उसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है यहाँ पे बिहेवियर ऑफ क्वांटम स्केल ऑब्जेक्ट। तो हम इसी पर यूज करके समझते हैं बिहेवियर ऑफ फुल्ली डिस्क्राइब के लिए, हम लोग इसी के लिए समझ के इस पर ही समझते हैं जो आपका क्वांटम स्केल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पार्टिकल्स हो गया मिरर, मिरर के थ्रू आपका जो है ये आपके स्केल ऑब्जेक्ट्स है। सो आपका जो पार्टिकल्स है या वेव्स है, तो पार्टिकल प्रिज्म हम लोग अगर आपको पता है तो प्रिज्म के थ्रू भी हम लोग लाइट बीम का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे। सो कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं सो वो भी एक समझ में आता है। अभी आपने अगर मिरर के थ्रू अगर ये कभी किया होगा तो देखो कैंडल एक जलाना होता है, मे बी आपने शायद वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो लाइट बीम जो पास होता है यहाँ पे, मान लीजिए आपने कोई कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रखा हुआ है, क्या रखा है कॉन्वेक्स मिरर रखा है, तो वो पासिंग होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं जो आपके मिरर्स वगैरह होते हैं वो स्केल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे क्वांटम स्केल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, तो जिसे हम लोग बिहेवियर पता लगा सकते हैं हमारे पार्टिकल्स के और वेव्स के। सो यहाँ पे पार्ट टू हम लोग ओवर करते हैं आज के इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना ज़रूर, ठीक है। तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे इस आईडी पर आप जो है मैं के यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या है, _KEVALCHED, इस पर मुझे इंस्टाग्राम पर बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।